ये है मूंग स्प्राउट ऑमलेट। ऐसा ऑमलेट आपने ना तो कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ एक हेल्दी सा ऑमलेट, जो कि आपने इससे पहले ये ऑमलेट कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं खाया होगा। पूरे YouTube पर सर्च कर लें, मेरी गारंटी है ये। तो क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये भी मैंने अचानक से मेरे दिमाग से निकला और मैंने ये बना लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये मूंग स्प्राउट्स लिए हैं, आज हम इसी का ऑमलेट बनाएंगे। हुआ यूँ था कि एक बार मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे लगा मैं क्या खाऊं ब्रेकफास्ट में, आज क्या करूं। तो मुझे ऑमलेट बनाना था, लेकिन मुझे सामने ये स्प्राउट दिखे तो मैंने इनको भी यूज़ कर लिया उसमें, और इतना फर्स्ट क्लास बना कि आप लोग जब बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, थोड़ी सी मैंने प्याज कट कर ली है, एक छोटी मीडियम साइज़ की, और दो हरी मिर्च, और एक मैंने एग लिया है। आप चाहें तो दो एग भी ले सकते हैं। तो इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में मिक्सिंग के लिए। तो ये आ गई हमारी प्याज और ये आ गई हरी मिर्च, और इसमें डाल लेते हैं हम थोड़े से स्प्राउट। ये मैंने 4 स्पून लिए हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा, ये मैंने काली मिर्च का पाउडर बना कर रखा है, तो काली मिर्च पाउडर लेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें लाल मिर्च तो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो नमक और मिर्च बहुत कम यूज़ होता है, और मैं तो आजकल लाल मिर्च खा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। और हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे भी लाइट खा रही हूँ आजकल मैं, कोशिश करें आप लोग भी बहुत लाइट नमक खाना शुरू कर दें। और एक बार इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो जब हम इसमें एग डालेंगे तो फिर जो हमारा एग है, क्योंकि मसाला जब तक मिक्स ना हो तो एग में वो दिखता रहता है अलग अलग। तो ये लीजिए, मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डाल देते हैं एग। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम। आप चाहें तो दो एग भी ले सकते हैं, लेकिन एक एग आपको फुल लेना है और एक एग हाफ लेना है, यानी कि उसका व्हाइट वाला पार्ट लेना है, येलो वाला पार्ट हटा देना है। और अगर एक ले रहे हैं आप तो फिर वो काफ़ी है। देखिए इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो गया है ये, थोड़ा सा इसको और मिक्स कर देते हैं। मेरा तो एक में टमी फुल हो जाता है बिल्कुल, और ये इतना हेल्दी है और इतना बनके तैयार इतना अच्छा होता है कि मुझे ये लंच तक फुल रखता है, मुझे जल्दी से भूख नहीं लगती ये वाला ऑमलेट खाकर। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। तो अब हमने एक पैन गरम कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। देसी घी की जगह आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इतना ही लगाना है। और अब हम डाल देते हैं इसमें जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है, इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। गैस रखी है हमने बिल्कुल स्लो, और अब इसको हम स्लो फ्लेम पर ही ढक देंगे, ताकि जो हमारे इसमें मूंग स्प्राउट पड़े हैं वो थोड़े गल जाएं। तो 1 मिनट हमने पका लिया है इसको, अब देखते हैं खोलकर। तो अब इसको हम पलट देते हैं, दूसरी साइड भी इसी तरह पका लेते हैं। तो
दूसरी साइड इसको ढकने की जरूरत नहीं है, इसी तरह पक जाएगा। तो ऑमलेट हमारा बन गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वेट लॉस स्प्राउट मूंग स्प्राउट ऑमलेट। अगर ये ऑमलेट की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो वाकई में, तो आप लोग अपने घर पे इसे एक बार जरूर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर तो बस मजा आ जाएगा आपको, इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी चीज आपको खाने को मिलेगी। मैं इसे ले रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में, और अगर आप लोग इसे लंच में लेना चाहते हो तो इसके साथ आप 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, उसको सैंडविच बनाकर खा सकते हो, तो वो आपको शाम तक फुल रखेगा। तो ये हो गया आज का मेरा ब्रेकफास्ट हेल्दी सा, और साथ में मैंने लिया है एक एप्पल, और आप चाहे तो साथ में जूस या फिर दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आज इतना ही खाऊंगी, एक एप्पल और एक ये मूंग स्प्राउट ऑमलेट। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।